Welcome and welcome back to the channel. My name is Shalini Raj and I am a BAMS first year student from Government Ayurvedic College, Patna. And I am also a NEET 2022 aspirant and I scored 620 marks in NEET 2022 and expecting MBBS this year. So in this video, मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिस कॉलेज में मैं अभी BAMS कर रही हूँ, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना, इसकी कट ऑफ मार्क्स क्या होगी इस बार नीट 2022 के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे इस कॉलेज का कट ऑफ मार्क्स पूछा है. तो मैं आपको पिछले साल का कट ऑफ मार्क्स बता देती हूँ ताकि आप उसमें उसी के अराउंड ही कुछ इस बार भी होगा, आप प्लस माइनस 5 कर सकते हो. ज़्यादातर चांस है कि मार्क्स थोड़ा सा मतलब प्लस 5 ही हो या कुछ बढ़े ही. तो देखते हैं कि पिछले बार मतलब नीट 2021 में इस कॉलेज की क्या कट ऑफ थी. उसके पहले मैं अपने इस कॉलेज के बारे में आपको कुछ बातें बता देती हूँ. जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1926 में. बहुत ही पुराना कॉलेज है एंड बहुत ही अच्छा कॉलेज है. बिहार में दो कॉलेजेस हैं BAMS करने के लिए, एक जो पटना में है ये वाला एंड एक बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है. इस कॉलेज में टोटल 125 सीट्स हैं एंड 125 सीट्स में से 85% सीट जो है वो स्टेट लेवल पे फिल होती हैं एंड बाकी 15% सीट ऑल इंडिया कोटा पे फिल की जाती हैं. तो स्टेट कोटा में जो सीट्स होती हैं वो है 106 एंड बाकी 15% जो है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए है, जो कि टोटल है 19 सीट्स. ऑल इंडिया कोटा से जो पिछले साल नीट 2021 का जो कट ऑफ था वो जनरल के लिए था 574 मार्क्स एंड इसके साथ जो रैंक थी 574 पे वो था 31,656. इसके बाद ओबीसी के लिए जो कट ऑफ मार्क्स था वो था 572, मतलब इस नंबर तक एडमिशन हुआ है इस कॉलेज में एंड इसके साथ जो रैंक थी वो थी 32,631. एंड उसके बाद EWS के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स था वो था 568 एंड इसके साथ जो रैंक था वो था 34,848. एंड उसके बाद ST कैटेगरी के लिए जो मार्क्स था वो था 415 एंड जो रैंक था वो था 1,74,014. उसके बाद बात करें SC कैटेगरी की तो इनका जो कट ऑफ मार्क्स था वो था 451 एंड जो रैंक था वो था 1,32,799. तो ये जो थी ये ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ मार्क्स थी जो पिछले साल की थी. तो इस बार भी इसी के अराउंड ही रहेगी कट ऑफ, इसी में आप कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके मार्क्स अगर इसके अराउंड बन रहे हैं और कोई भी इस कॉलेज में अगर ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेना चाहता है तो उनको एडमिशन मिल जाएगा अगर इसके अराउंड उनके मार्क्स बन रहे होंगे. तो स्टेट कोटा की मैं बात करूँ तो स्टेट कोटा के लिए मैंने जितने ही मार्क्स बताए ऑल इंडिया कोटा के, उसमें अगर आप अपना माइनस 10 to 15 मार्क्स अगर आपके मतलब कम, मतलब इससे अगर 10 to 15 मार्क्स कम कर दे तो इसी के अराउंड जो मार्क्स बनेगी जिनकी मार्क्स रहेगी उनका स्टेट कोटा से एडमिशन हो जाएगा. मतलब जनरल के लिए आप अगर 550 प्लस आपका मार्क्स बन रहा है, जनरल, ओबीसी और EWS, इन तीनों कैटेगरी में अगर आपका 550 प्लस मार्क्स हैं तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा और 550 के अराउंड में आपका मार्क्स आ रहा है तो. ST के लिए 400 के करीब में अगर मार्क्स है आपका तो आपका एडमिशन हो जाएगा. एंड SC के लिए भी 430 प्लस के आसपास हाँ आपका मार्क्स होगा तो आपका एडमिशन इस कॉलेज में हो जाएगा इस बार नीट 2022 में. और ऑल इंडिया कोटा से मैं आपको सीट मैट्रिक्स भी बता देती हूँ. जनरल के लिए यहाँ पे 9 सीट है, ओबीसी के लिए 5 सीट्स हैं, EWS के लिए 2 सीट्स हैं, ST के लिए 1 एंड SC के लिए 2 सीट है. ये ऑल इंडिया कोटा का मैंने अभी सीट मैट्रिक्स बताया. तो ये रहा मेरा एक छोटा सा वीडियो. जो बहुत सारे लोग अभी मुझे इस वीडियो के बनाने के लिए बोल रहे थे कि आप कट ऑफ मार्क्स बता दो कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप इसके अराउंड अगर आपके मार्क्स बन रहे होंगे तो आपके इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी. सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.